everyone, how are you all? I hope that you all are doing good. So today I'm sharing my Myntra fashion haul. So आज मैं आपके साथ जो भी share करने वाली हूँ वो सारा ही collection मैंने Myntra से खरीदा है और अभी Myntra पर चली हुई है sale जिसमें आपको clothing के ऊपर बहुत अच्छे discount मिल जाएगा. Sale को start हुए थोड़ा time हो गया है और मैं late हो गई हूँ आप लोगों के साथ ये video share करने में, but कोई नहीं, अभी भी time है. आज last day है sale का तो थोड़ा time तो अभी भी बचा हुआ है, तो अभी भी आप जाकर के shop कर सकते हो. बहुत अच्छे अच्छे offers चल रहे हैं और जल्दी जाना क्योंकि आज लास्ट डे है बिल्कुल. और आज मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो सारे ही फेस्टिव वेयर होने वाले हैं, यानी कि अब मैं जो भी आपको क्लोथिंग चीजें दिखाऊंगी वो आप राखी पे या फिर और भी अपकमिंग फेस्टिवल्स पे आसानी से वेयर कर सकते हैं. आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा लाइक ऐसे छांट छांट के मैं पीसेज लाई हूँ ना आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा होने वाला है आज का हॉल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. वन मोर थिंग गाइज, आज मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ सबका ट्राई ऑन आपको साइड में मिल जाएगा और प्राइस भी मेंशन मिल जाएगा और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बिल्कुल भी जब भी आप ये वीडियो देखो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी लास्ट डे है. जैसे कि मैं बता रही हूँ आज संडे को मैं शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, तो संडे को लास्ट डे है तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे होंगे और काफी तो हो भी चुके हैं, मैं उनको शेयर नहीं कर रही हूँ. तो आप जल्दी से जाकर के शॉपिंग कर लेना फॉर अपकमिंग फेस्टिवल. सो चलो अब करते हैं स्टार्ट. सो फर्स्ट जो सूट मैंने वहां से पिक किया था वो है एक प्रिटी ब्लू कलर में अनारकली सूट सेट. ये है वो सूट सेट, इसका राउंड नेक दे रखा है और यहाँ पे थोड़े थोड़े से डिजाइन बने हुए हैं जो कि गोटा का वर्क के साथ किया गया है. 3/4 इसकी स्लीव मिल जाती है और अगर इसकी फ्लेयर की बात करें तो ये पूरा जैसे कि अनारकली पैटर्न में है तो इसमें काफी अच्छा खासा फ्लेयर दे रखा है. इसके अंदर लाइनिंग भी लगा करके दे रखी है जो कि है ब्लू कलर की अगेन. एंड इसके अगर डिजाइन पैटर्न की बात करें तो पूरे सूट के ऊपर, ओवरऑल सूट के ऊपर बहुत ही सुंदर से फ्लोरल प्रिंट्स हो रखे हैं. ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से. मैं आपको ट्राई ऑन दे दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लेयर वगैरह कैसा है और आपके ऊपर इसका फिट कैसा आने वाला है. 3/4 इसकी स्लीव्स मिल जाती हैं और इसके अगर फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक मिल जाता है जॉर्जेट जो कि काफी ज्यादा अच्छा है. बॉटम वेयर में पेयर करने के लिए आपको इसके साथ मिल जाता है एक ब्लू कलर का मैचिंग पैंट जिसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी खासी दे रखी है. और अगर इसके कपड़े की बात करें तो ये इसका कपड़ा है कॉटन ब्लेंड जो कि पहनने में काफी सही लगा मुझे. और तीसरा इसके साथ हमें मिल जाता है एक दुपट्टा जिसकी लेंथ मुझे थोड़ी सी कम लगी, बट इट्स ओके. अगर आप अनारकली तो जैसे कि एक साइड लाइक लेफ्ट या राइट साइड आप डालते हो, पूरा दोनों साइड तक नहीं पहनते, तो उस हिसाब से काफी सही आपको ट्राई ऑन में दिखेगा ही. और ये जो इसकी दुपट्टा है इसके चारों तरफ इस तरीके की लेस लगाई हुई है जो कि काफी नीटली काम किया गया है. तो मुझे ओवरऑल ये वाला सूट काफी बर्थ इट लगा. अंडर 1000 में अगर आपको बजट के अकॉर्डिंग चाहिए तो ये सूट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई. टू द सेकेंड आउटफिट जो कि अगेन हमारा एक सूट सेट होने वाला है जो कि हमने खरीदा है अगेन Myntra से और ये होने वाला है कुछ इस तरीके का. यहाँ पे थोड़े से स्ट्रैप्स दे रखे हैं जो कि जिसमें कोई एडजस्ट करने वाला नहीं है, ये प्लेन तरीके का दे रखा है. लेकिन इसका सूट का जो पैटर्न है वो काफी यूनिक लगा मुझे, आप ट्राई ऑन में देख ही पाएंगे. इस तरीके से इसका सूट का पैटर्न है, बॉटम में इसका सूट का पैटर्न है, नीचे की तरफ से कुछ इस टाइप से शेप आता है जो कि काफी ज्यादा मुझे यूनिक लगा. अगर कपड़े की बात की जाए ना तो इसका कपड़ा है पॉली क्रेप और इसमें मैंने अपना यूजरली जो मेरा एम साइज रहता है वही मैंने मंगाया हुआ है. आप वहां जाकर के साइज चार्ट चेक कर लेना अच्छे से, उसी के अकॉर्डिंग मंगाना. एंड गाइज मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, वो यू हो रहा है कि मैंने जब मंगाया था इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था और अभी इस पे और ज्यादा डिस्काउंट हो गया है. तो अगर आपको खरीदना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट क्योंकि इसका पैटर्न इतना ज्यादा यूनिक है ना, जब भी आप वेयर करोगे आपको भर भर के तारीफें मिलनी ही है. और इसके बॉटम में जब आप आते हैं सूट के नीचे की तरफ तो आपको इस तरीके से लेस मिली हुई है जो कि इसको और ज्यादा हाईलाइट करवाती है. जो इसका पैटर्न है वो यूनिक है और इस पे जब लेस लगी हुई तो वो और ज्यादा हाईलाइट होता है. अगर इसके बॉटम वेयर की बात करें तो वो भी मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा. देखो इस पे बेल्ट इस टाइप से दे रखी है, बैक साइड में इलास्टिक है, फ्रंट से इस टाइप से फिनिशिंग करके दे रखी है. और इसमें जो बॉटम वेयर है वो काइंड ऑफ प्लाजो आपको मिलता है जो कि नीचे की तरफ जाते हुए इस टाइप से काफी वाइड होता जाता है और यूनिक ही इसकी शेप है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि ये किस टाइप का पैटर्न का है ये, बट ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज्यादा इवन क्वालिटी लग रही थी इसकी. ओ माई गॉड, बाय द वे इट ऑल्सो हैज अ पॉकेट, हाउ क्यूट ना.
के साथ गाइस हमें एक दुपट्टा भी मिलता है जो ये सूट सेट की पूरी जान बना देता है। और ये दुपट्टा मिलता है हमें फ्लोरल प्रिंट्स के साथ, काफी डिफरेंट है लेकिन ये सूट की वाइब के साथ ना बिल्कुल मैच हो रहा है और काफी अच्छा लग रहा है उसके साथ। और ओवरऑल दुपट्टे पे चारों तरफ इस तरीके से जो इसकी कुर्ती में और बॉटम वेयर में लेस लगा के दे रखी है वही अगेन लगी हुई है। तो ये सूट सेट तो भाई मस्ट बाय है, एक बार जरूर मंगा के देखिएगा एंड आई बेट यू कि आप इसको रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे। सो नेक्स्ट मैंने वहां से पिक करी थी एक साड़ी और मैंने अभी तक मिंत्रा से कभी भी साड़ी ट्राई नहीं किया, तो मेरे मन में था कि मैं एक बार क्वालिटी वगैरह चेक करती हूँ कैसी आती है। और ये साड़ी ना मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रिटी लग रही थी तो मैंने बस मंगा ली और ये आ चुकी है साड़ी मेरे पास। तो ये साड़ी ना वैसे येलो कलर की है तो आप अभी राखी पे भी इसको पहन सकते हैं, अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें दिया गया है लहरिया पैटर्न और अभी सावन का है तो सावन में आप लहरिया पैटर्न पहनोगे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में हल्दी फंक्शन है लाइक किसी कजिन वगैरह की वेडिंग है तो आप उसमें डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं और बजट में भी है। तो ये मैं साड़ी की बात कर रही हूँ वो है ये येलो कलर की है एंड इसके बॉटम में आपको इस टाइप से रफल पैटर्न मिल जाता है जो कि जब आप वेयर करेंगे तो रफल काइंड ऑफ रफल ये आपको लुक देगा। और उसके साथ साथ ना इसमें थोड़ा सा लहरिया पैटर्न भी है, ये देख सकते हैं आप। साड़ी का पैटर्न कुछ इस टाइप से है कि हाफ में आपको येलो कलर मिलता है एंड हाफ में आपको ये रफल के साथ साथ लहरिया पैटर्न मिलता है तो काफी यूनिक मुझे लगी और काफी सुंदर लग रही थी। ऐसा मैंने अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पहने देखा है बट अब हम भी पहन सकते हैं क्योंकि भाई बजट में मिल रहा है। और अगर इसके नीचे की बात की जाना तो इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गोटा वर्क भी करके दे रखा है तो मुझे ये साड़ी बहुत सुंदर लगी। आप ट्राई ऑन में देख पाएंगे इसका लुक किस तरीके का आ रहा है। मैंने इसको वैसे ही कैमी टॉप के साथ स्टाइल किया है। इसके साथ आपको एक ब्लाउज पीस मिल जाता है येलो कलर का, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंस लगे बट इसका प्योर जो लेमन येलो कलर होता है ना वो वाला इसका कलर है। और इस तरीके से ब्लाउज में आपको ये मिल जाते हैं ताकि जब आप इसका ब्लाउज स्टिच कराओ तो ये आपके स्लीव्स वगैरह पे आप डिजाइन लगवा सको। ये है वो बेल्ट जो कि इसके साथ मिलती है, आप इसको अपनी कमर पे लाइक टाई कर सकते हो और बैक में इस तरीके से ये डोरियां भी हैं बट मैंने इसको ऐसे ही पहना है क्योंकि मुझे इसके बिना ही अच्छा लग रहा था। इस साड़ी का जो फैब्रिक था वो था पॉली जॉर्जेट तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, इतनी बजट के अकॉर्डिंग ये मुझे जस्टिस करती हुई मिली। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सूट सेट की जो कि बहुत ज्यादा जिसके अंदर वर्क नहीं है, काइंड ऑफ प्लेन है। अब देखो कुछ लोग मेरे तरह भी होंगे जिनको कि चमक धमक नहीं पहनना, जिनको राखी पे बिल्कुल सिंपल सोबर कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए मैंने एक रखा। ये है वो कुर्ता सेट जिसका इस तरीके से आपको हल्का सा बोट नेक मिलता है और इस कुर्ती का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये बीच में एक अलग तरीके का प्रिंट वगैरह दे रखा है जो कि ऑल ओवर कुर्ती में इस तरीके से बीच में एक अलग प्रिंट जा रहा है। साइड में इस तरीके से स्लिट मिल जाता है जैसे कि एक नॉर्मल स्ट्रेट कुर्ती के अंदर पाया जाता है। बैक में आपको एक प्लेन कपड़ा मिलता है पिंक कलर का ही काइंड ऑफ पर्पलिश। बॉटम में आपको इसके साथ एक पैंट मिल जाती है जो कि अगेन काफी फिनिशिंग के साथ तैयार की गई है। फ्रंट में आप देख सकते हैं इस टाइप से बेल्ट है और बैक में ये इलास्टिक है और इसके साथ जो पैंट है वो काफी ज्यादा लूज है, लाइक फिटेड पैंट नहीं है ये। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अंडर 600 में तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसका फैब्रिक है पॉली क्रेप। नेक्स्ट और जो लास्ट है इस हॉल का प्रोडक्ट वो काफी ज्यादा यूनिक है एंड आई डोंट नो कि आपको वो पसंद आएगा या नहीं बट मुझे पर्सनली काफी ज्यादा यूनिक लगा, डिफरेंट लगा तो इसलिए मैंने खरीद लिया। ये काइंड ऑफ जैकेट पैटर्न में आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपका एक कुर्ती सेट रहता है उसके ऊपर आपके पास जैकेट भी आ जाती है। तो अगर इसकी कुर्ती की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा प्लेन सिंपल सी है, कुछ भी इसमें नहीं है, एक प्लेन कुर्ती आपको मिल जाती है पिंक सॉर्ट ऑफ कलर में और इसके साथ बॉटम में आपको मिल जाता है एक प्लाजो काइंड ऑफ जो कि अगेन सेम कलर में है। इसका जो फैब्रिक है वो है सिल्क ब्लेंड एंड इसके ऊपर जो जैकेट मिलता है ये है चंदेरी के अंदर। ये बिल्कुल प्लेन सा सिंपल सा आपको जैकेट मिलता है, इसके फुल स्लीव्स मिल जाते हैं जहाँ पे इस टाइप से कुछ थोड़ा सा वर्क करके दे रखा है एंड ये बिल्कुल प्लेन है बट ये प्लेन ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। साइड में मतलब साइड में भी स्लेट दे रखा है और बीच में भी कट है और ये डोरियां दे रखी हैं दो इस टाइप से कुछ, ये आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा यूनिक लगा मुझे तो वही पसंद आया पर्सनली। और ये आज का पूरा मिंत्रा हॉल जो है ना ये मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया क्योंकि एक तो कलेक्शन मैंने इतना अच्छा बनाया है, देखो फेस्टिव सीजन है थोड़ा चमक धमक तो बनता है। ये साड़ी का फैब्रिक हल्का सा मुझे पतला लगा क्योंकि ये जॉर्जेट है तो सो इस फेस्टिव सीजन के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आउटफिट चाहें इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला आप आउटफिट पे अगर आप लाइक
सिंपल पहनना आपको पसंद है तो आप पहन सकते हो, या फिर आप इसको नॉर्मल डेज में भी वेयर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल काइंड ऑफ है। तो सारे जो भी मैंने आपको कुर्ती, साड़ी, पैंट, प्लाजो जो भी दिखाए हैं सबका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी मिंत्रा का लास्ट डे है भाई, आज जो मैं संडे को वीडियो दिखा रही हूँ यहीं पे ही सेल एंड होने वाली है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके अभी आप शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि नहीं पता, देखो अब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, प्राइसेस इतने कम है कि कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए पता ही नहीं लगता। सो गाइज गो एंड ग्रैब द डील, आई एम गोना सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।